आनंद जी है, माननीय मुख्यमंत्री 2400 घंटे सातों दिन राज्य के हित में, राज्य की जनता के हित में सोचते हैं। और आज सबसे बड़ा अगर कोई जिम्मेदारी है तो इस कोरोना के संक्रमण पर काबू पाना। और जिस तरह का रवैया केंद्र सरकार का है कि जो हमारे गरीब राज्य है, आदिवासी पिछड़ा राज्य है, और जिस तरह का सौतेला व्यवहार केंद्र की सरकार हमारे राज्य के साथ कर रही है, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने जो ये ऐलान किया था कि हम 18 से 45 वर्ष के लोगों को मुफ्त वैक्सीनेशन हम उपलब्ध कराएंगे, और केंद्र की सरकार से ये भी गुहार लगाई थी कि हमारा राजकीय कोष इसकी इजाजत नहीं देता, इसलिए केंद्र सरकार उपलब्ध कराए। लेकिन केंद्र सरकार अगर पूरी तरह से हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएगी तो हम अपने राज्य की जनता को मरने के लिए नहीं छोड़ेंगे कोरोना के संक्रमण से। और उसी का एक ये है, अब इसकी शुरुआत है कि हमारे राज्य में वैक्सीन उपलब्ध हो रहा है, अब वैक्सीन सेंटरों से लोगों को लौटना नहीं पड़ेगा। और हम राज्य की जनता के हित में चाहे हमें कोई भी कदम उठाना पड़े, हमारे माननीय मुख्यमंत्री उसके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और चाहे वो राज्य की जनता के विकास की बात हो, किसी बीमारी किसी महामारी से बचाव की बात हो, सभी कामों में हमारे मुख्यमंत्री निरंतर लगे रहते हैं। और जो मैंडेट जनता ने दिया है उसका सम्मान करते हुए, और 5 साल में जो भी वादे हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने राज्य की जनता के साथ किए, वो सारे वादों को इन कोरोना के संक्रमण और महामारी से जूझते हुए भी सारे वादों को हम पूरा करेंगे।